हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज से रिलेटेड और जानेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव नादर यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR में, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। और ये वैकेंसीज आलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो अगर आप इस लिंक पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू जो है डायरेक्टली इस इंटरफेस तक पहुँच सकते हैं। तो लिंक है snu.edu.in, द सेम लिंक आई विल प्रोवाइड इन द माई डिस्क्रिप्शन, तो वो एंड सी देयर ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जॉब आईडी से हम मेंशन कर रखी है, अलोंग विद दैट जॉब टाइटल देन एप्लीकेशन डेडलाइन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो हम एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। तो अगर आप बात करें यहाँ जॉब आईडी 240 की, तो यहाँ पे जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ आपको जॉब आईडी देखने को मिलेंगी, इसके साथ ही डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जॉब टाइप यहाँ पे रेगुलर यानी कि परमानेंट पोस्ट है, और जो एप्लीकेशन डेडलाइन वो 30 जून 2021 है। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको कुछ डिटेल देखने को मिलेगी जॉब वैकेंसीज के अलॉन्ग विद द इसके आपको क्या क्या जो है अपने एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ प्रोवाइड करना वो सारा देखने को मिलेगा। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इस फॉर्म के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो डायरेक्टली आप अपना यहाँ पे रेज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं, टीचिंग और रिसर्च डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप अपने जो पब्लिश पेपर हैं 3 बेस्ट पब्लिश पेपर जो है उसे एक 1 PDF में बना के भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में आप देख सकते हैं कि ये आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रहे हैं अगर हम। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जॉब आई 237, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो जॉब वैकेंसी निकाली गई वो लाइफ साइंस के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो जॉब टाइप है वो रेगुलर है, और जो जॉब आई डी 237 और डिपार्टमेंट जो है वो लाइफ साइंस है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ पे देखिए दे आर लुकिंग फॉर द एप्लीकेंट्स इन द एरिया ऑफ, तो यहाँ पे इन्होंने एरिया मेंशन कर रखा है कि ट्रांसलेशनल बायोलॉजी, रीजनरेशन बायोलॉजी एंड मॉलिकुलर सिस्टम बायोलॉजी के लिए यहाँ पे जो है दे आर आस्किंग फॉर द एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका लाइक आपने अगर PhD जो है वो एपिजेनेटिक्स में किया है, या आपने जो है अपने PhD के थेसिस में सी एलिगेंस को यूज़ करके आपने अपना वर्क किया है, या जेब्रा फिश एज अ मॉडल आपने लिया है, या एज अ मॉडल माउस लिया है, या अदर जो मॉडल सिस्टम है, जैसे अगर प्लांट कर की बात करें तो प्लांट में मोस्टली पी और एविडोप्सिस होता है, तो वो एज अ मॉडल सिस्टम अगर आपने लिया है और आपको जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स की जो एक्सपीरियंस है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो हाउ टू अप्लाई पे आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक सिंगल PDF फाइल बनानी है, आपको जितने भी जितने डॉक्यूमेंट यहाँ मेंशन कर रखे हैं उन सबकी सिंगल PDF फाइल बनानी है और आपको सेंड कर देना anil.shukla@snu.edu.in पर। यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या क्या आपको प्रोवाइड करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे आपको 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिकेशंस, ठीक है, तो आपके जितने जो भी हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशन अगर आपके हैं तो आप वो 3 सेंड करिए। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है, तो आप कोई भी 3 रिसर्च आर्टिकल जो है जो मैक्सिमम इंपैक्ट के हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपका इंपैक्ट फैक्टर कम है तब भी आप जो है अपने 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन जो है वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट फैक्टर की बात इन्होंने नहीं कही है, इन्होंने मेंशन कर रखा है नॉट नेसेसरी हाईएस्ट इंपैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर आपका पेपर नेचर में ही हो तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पेपर जो है स्मॉलर जर्नल में भी हो, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट्स हो गया, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जो सिग्निफिकेंस स्टेटमेंट है वो 100 वर्ड का यहाँ पे लिख के देना है। इसके बाद आपको जो है टीचिंग इंटरेस्ट का एक स्टेटमेंट लिख के देना है कि जिसमें आप जो है क्या क्या कोर्सेज जो है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको देना है, जैसे कि अगर मान लिया आप प्लांट फिजियोलॉजी में आप एक्सपर्ट है तो प्लांट फिजियोलॉजी आपने डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स है, जैसे हार्मोन, प्लांट हार्मोन सिग्नलिंग या फोटोसिंथेसिस, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप जो है अपना टीचिंग इंटरेस्ट जो भी आपका चीज़ है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना जो कोर्स है वो बता सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर पोर्सन में है और मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ अगर मुझे यहाँ पे जो है जॉब मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको
सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 3 रेफरीज का आपको नेम और ईमेल एड्रेस जो है वो मेंशन करना है। मिनिमम 3 रेफरीज जो है यहाँ पे कंफर्म चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको रिसर्च प्लान जो है मिनिमम अप टू 3 पेजेस का यहाँ पे अलाउड है, तो आपको अपना रिसर्च प्लान भी जो है वो सबमिट करना है। अलॉन्ग विद दैट स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल एंड कंप्यूटेशन फैसिलिटी एंड लैब स्पेस रिक्वायर्ड। अब आपको पूरा एक टाइप का आपको एक हाइपोथेसिस या हम कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट आपको पूरा लिखना है, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, आपके हाइपोथेसिस भी होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और कौन कौन सी जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करना चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या टेक्निक जो है वो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको एक सिंगल फाइल में आपको बनाना है और आपको जो है सिंगल PDF फाइल में और आपको सेंड कर देना है anil.shukla@snu.edu.in पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या हम बोल सकते हैं कुछ हिस्ट्री दे रखी है कि डिपार्टमेंट कैसा है, ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ या कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो करेंटली में चल रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अबाउट द यूनिवर्सिटी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर लिया कि यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए द यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी अभी कंसिडर किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ ही यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की जो रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में दे रखा है, तो आप ये पढ़ के देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो नेक वैल्यू वो भी अच्छा है और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट एमिनेंस भी इस यूनिवर्सिटी में है, तो ये सब चीज़ें एक अच्छी हैं जो जो इस यूनिवर्सिटी को एक टॉप यूनिवर्सिटी बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे अपना फॉर्म जो वो फिलअप करना है। ईजिली आप फिलअप कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा टफ फॉर्म नहीं है, ईजिली आप जो है फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना अपलोड जो है रिज्यूम अपलोड करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, या टीचिंग स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है, जैसे कि आप क्या जो सब लाइक सब्जेक्ट है वो पढ़ाना चाहते हैं या कौन से स्पेसिफिक टॉपिक जो है या कौन सा कोर्स जो है वो आप पढ़ाना चाहते हैं, उन सबका PDF यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है और आपको 3 बेस्ट पब्लिश पेपर जो है वो सिंगल फाइल में करके आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये है लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और भी टाइप के लाइक फॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें जॉब ID 238 की, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट आर्ट है परफॉर्मिंग आर्ट का है डिपार्टमेंट, ऐसे ही आप जो डिफरेंट डिफरेंट जो जॉब IDs है उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वैकेंसीज को निकाला गया। अगर हम बात करें जॉब ID 236 की, तो यहाँ पे देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया और जो नंबर ऑफ पोजीशन है वो 1 यहाँ मेंशन कर रखा है। कुछ कुछ जगह जो पोजीशन है उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है और कुछ कुछ जगह जो है पोजीशन मेंशन नहीं, इसका मतलब कि वहाँ पे जो पोजीशन है वो बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन अभी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है। तो ऐसे आपको स्क्रॉल डाउन करने पे आपको पूरा डिटेल देखने को मिलेगा कि आपको अगर इस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डिटेल चाहिए। तो इस वे में जो है आप अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे स्योरली जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देख ले प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसीज को निकाला गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, अभी मैथमेटिक्स के लिए निकाला गया है। ऐसे नेक्स्ट पेज करके कर आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए वैकेंसीज को निकाला गया है और जो कुछ जगह इन्होंने मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन डेडलाइन ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज करिए कि आपका जो है PG डिग्री या PhD किस चीज़ में है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाइएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।